गायिका हमारी इज वंडरफुल गुरुदेव, बहुत अच्छा गाना है। और कौन गा रहा है तुम्हारे साथ? भाई क्या उम्र है तुम्हारा? मेरा 16। 16? और तुम्हारा? मैं 22। और तुम? मैं 20। चलो चलो बस पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आज है 8 तारीख और आज सुबह उठ के गए थे हम रुद्राभिषेक में, उसके बाद गए बहुत बढ़िया खाना पीना खाया, एकदम ब्रेकफास्ट किया। अब हम जा रहे हैं इस कैंपस के पूरे टूर में करीब 60 एकड़ में तो पूरा घूमेंगे आज। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी हम सब रुके हैं यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए, और नारियल जो होता है ना वो यहीं के कैंपस का होता है। जॉब कॉल लाने के लिए तो बैंगलोर स्टाइल में उसको पीना पड़ेगा। पूरी लाइफ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ये बताते रहते। मम्मी स्माइल करना थोड़ा, ये भैया आप भी स्माइल करिए। तो हम लोग आश्रम की टूर पे निकल चुके हैं और मैं पीछे बैठा हूँ ना, तो यहाँ से वीडियोस अच्छे नहीं बनेंगे। तो दीदी तू बना दे, मेरे को दे दियो ड्रॉप, ठीक है? अरे अपना फोन देना। हाँ ये भी ठीक है, इतना महंगा फोन ना करके मेरे फोन में वीडियो बनाएगा। मैं कैसी लग रही हूँ दीदी आप बताओ? बहुत अच्छी। मैं ऐसे लोगों से पूछती हूँ, लोग मुंह पे थोड़ा बोलेंगे कि अच्छी नहीं लग रही है ना? बोल देंगे। उस कैमरा पे ही नहीं बोलता है कुछ। आप भी हंस रहे हैं, आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। देखे सब तारीफ करते हैं, वाओ। मैं मेरा बात को लेम कर देता है सनी अपना एक्सप्रेशन देखे। ये सारे शहद थे तो ये पुरानी गौशाला थी, अब छोटे हो गए क्योंकि अभी आश्रम में 1200 गाय है, तो उनको थोड़ा उधर शिफ्ट किया, वहाँ पे हम अभी जाएंगे। तो अब इसको सारा फार्मिंग नर्सरी उसके लिए जी अंकल अभी जाएंगे इसके बाद। इसमें 1200 गाय है, सारी देसी गाय है। सही देखो लेक, और ये वो जिसके सामने हम आए हैं। खोल दिया ये हमारा वेदा स्कूल है, यहाँ वेदा आगमा दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी 450 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, तो पूरे भारत से, नेपाल से, श्रीलंका से, नेपाल से तो काफ़ी लोग अभी हुए हैं। जैसे वेदा जो है वो पूरा प्योर में वेदा ही पढ़ते हैं, जैसे चार वेद में, आगमा में पूरा कर्मकांड है। जैसे अगर आप अभी नॉर्थ में देखें तो आगमा शास्त्र जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, कौन पंडित क्या पूजा कर रहा है, क्या मंत्र पढ़ रहा है पता ही नहीं चलता है, किसका मंत्र किधर किसका किधर हो जाता है। तो यहाँ पर प्रजापति गणपति हैं, पंचमुखी गणपति और लक्ष्मी नारायण, और ये सब स्टूडेंट हम जाएंगे थोड़ा देखिए। Thank you.
उससे क्या फायदा है अभी मेडिसिन में क्या यूज हो सकता है उसका साइंटिफिक क्या है जी। इसमें हमारे करीब 53 बच्चे हैं अभी यहाँ पे और सारे उत्तर भारत से हैं। इसमें ज़्यादा वो रक्त चंदन पेड़ यहाँ है और इसका फिर मेडिसिन में क्या यूज हो सकता है, साइंटिफिक नेम क्या है, दोनों है। रक्त चंदन तो सुने होंगे पुष्पा मूवी वाला चंदन। पुष्पा मूवी वाला चंदन बाहर में सब 27 नक्षत्र, अंदर पूरा 12 राशियां और अंदर ग्रह। सो जैसे बच्चे का जन्म जब होता था तो एक पेड़ लगाते थे पुराने ज़माने में, तो वो पेड़ जो है जो बच्चे का नक्षत्र है उसी नक्षत्र का पेड़ लगाया जाता था। हाँ, तो उसी तरह जैसे बच्चे का ध्यान रखते थे वैसे ही उस पेड़ का ध्यान रखते थे। तो हर चीज़ कनेक्टेड है, जैसे मनुष्य और प्रकृति, तो प्रकृति का भी उतना ही ध्यान रखा जाता था। कहीं ना कहीं आज हम वही सब चीज़ें भूल गए हैं। यहाँ कहीं पे वैदिक शादी हो रही है और वो आवाज़ आ रही है यहाँ पे, जैसे साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना। मेरा बड़ा मन करा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वो शादी क्रैश करूँ। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं, ये ब्याह किसी का हो रहा है और हम लोग होप करें कि वो कोई फॉरेनर हो, क्योंकि कल परसों भी किसी फॉरेनर की शादी हुई थी, तो उनको भी देखना है कि वो लोग जब इंडियन तरीके से करते हैं तो वो कैसा लगता है। कितना मजा आ रहा है यार, मतलब यहाँ का जो साउंड है ना इस कैंपस के अंदर।
दे एक मंडल पूरा तो हम एक 7 साल पे वापस शादी करते हैं। ये वही है लग रहा हूँ मैं। मैंने पहली बार ऐसा पूछा है, आप लोग ऐसे कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, कर देना करें। यहाँ पे जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ सच्ची में, क्योंकि जितना विद्या वो लोग ज्ञान कर चुके हैं ना वो मेरे को आता भी नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे नॉर्मल तो भी कंपैरिजन नॉर्मल बच्चे नहीं है ये लोग। आपको कैसा लगा यहाँ पे? सनी यार हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और आशा करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। अरे मुझे तो हमारा तो मन नहीं करा कि हम यहाँ से वापस जाए, यहीं पे बस जाए। आज भारत में सिर्फ 35 नस्लें बची हैं। आप अगर यूपी बिहार नॉर्थ ईस्ट और वो एरिया का देखें तो वहाँ की तो गाय भी मिलना मुश्किल है। नहीं ये राजस्थान ये तो पता राजस्थान है। का और वो गीर गुजरात ये बता रही है। आज़ादी से पहले 100 से भी ज़्यादा नस्लें थीं लेकिन अब बहुत कम बची हैं और यहाँ पे ये सब प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की नस्लों के गाय हैं। सिर्फ गीर गाय आती है, अरे भूरी गाय, और फिर जब कोई देखने आता तो पता क्या बोलते, अरे गाय को तो सींग ही नहीं होते क्योंकि वो जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजन को देख देख क्योंकि उनको बचपन में सींग निकाल दिया जाता है। और वहाँ जो पर्पज़ है लोगों का वो मिल्क है, यहाँ वो नहीं है। और किसी भी गाय को बांधा नहीं जाता है, आप देखो सारी गाय ऐसे ही घूमती है। तो जो भी मिल्क प्रोडक्शन है भारत की 15 नस्लें यहाँ पे हैं जिसमें तमिलनाडु से 4-5 है, केरला से जो सबसे छोटी गाय होती है कासरगिड्डा की छोटी सी रहती है वो भी, मतलब गाय अगर ऐसे देती है ना जैसे डॉग बेली देता है तो उसमें बहुत ट्रस्ट करता है, अगर गाय अपनी घर पर देती है तो बहुत ट्रस्ट करता है। ओके पर आज तो कोई ट्रस्ट करता नहीं है, देखा जाता है। ओ अप्रूव। हमारे गांव में भी भैंस का बछड़ा था ना, उसका नाम क्या था? एक का नाम था गंगिया, एक का नाम था नटवर लाल। नटवर लाल बहुत क्यूट था वो। नटवर लाल का निधन बहुत कम उम्र में हो गया, बचपन में ही, लेकिन गंगिया एकदम स्ट्रांग है अभी भी। छोटू 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 की मम्मी भी होगी पास ही में। नमस्ते नमस्ते। और उनका बेटा है। डरना नहीं, लगाइए। हाँ कुछ नहीं करेगा, लगाओ। आपको फिर बता दे क्यों लगा, लगाइए। ये जो खाना खाते हैं ना तो उसकी जीभ है ना रस हो जाती है, तो ये जो स्टार्ट से तो जीभ पंप हो जाती है, वो पानी पेट में जाने से भाई पंप। लगाते हैं 15 से 20 मिनट तो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इसको
मैंने जीप पकड़ लिया था उसका। कुत्ते कर रहे हो? ये यही कर रहा है उसको खोलने में, जीप पकड़ रहा है उसकी। वो जान बूझ के वो भी दे रही है। दूसरी जगह और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग होती है। अपना खाना भी आ चुका है, इतना सुंदर लग रहा है। ओ बाप रे, खाना खाने से ज्यादा हम लोगों ने बातें की यहाँ पे, एक घंटा हो गया हमें खाते खाते, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक जगह आए हैं जहाँ पे बहुत सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं और वो हमें कुछ साड़ी गिफ्ट करना चाहती हैं, तो वो साड़ी लेने के लिए आए हैं। आज मैंने वाइट कुर्ता लिया है, वाइट धोती लिया है, और ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, तो नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, वो भी लिया है। और हम दोनों भाई आज सेम चीज़ पहनेंगे, लेकिन हनी ब्राउन कुर्ता पहनेगा। ओ तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। बताइए गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, आगे व्लॉग में देखिएगा। तो खाना खाने के आने के बाद ना हमने आराम किया थोड़ा सा, और अभी हम जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो क्या हुआ ना, मैं दिल्ली से कुर्ता नहीं लाया था, मेरे लिए शर्ट पैंट लाया था, दो कुर्ता लाया था, दोनों ही यूज़ हो गया मेरा। तो मैंने दीदी को बोला कि तू साड़ी के लिए जा ही रही है, तो मेरे लिए कुर्ता ले आई हो। तो दीदी कुर्ते लेके आ गई, और आज मैंने कुर्ता और धोती पहना है। देखते हैं कि दीदी को बोलता थोड़ा वीडियो बना दे, मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, तो आपको भी दिखाता हूँ। गायिका हमारी wonderful गुरुदेव, बहुत अच्छा गाना है। और कौन गा रहा है तुम्हारे साथ? अब राधा भाई। क्या उम्र है तुम्हारा? मेरा 16। 16? और तुम्हारा? मैं 22। और तुम? मैं 20। तो अभी हम लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी जाने का वक्त हो गया है। अभी भी हमें क्या करना है दीदी? क्या करना है हमें? अभी हमें सेटअप करना है, पूरा तबला वबला ले जाना है वहाँ पे। आज हम फिर से गाएंगे क्योंकि गुरु जी ने बोला है। और आप लोग मेरे को देखिए, मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ मैं। हमारा दूसरा बच्चा भी आ गया है, पहला बच्चा भी सारे बच्चे आ गए। गुरुदेव जी आज पूरे दिन लोगों से मिल ही रहे हैं, अभी हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं और उनका फिर से इतनी रात को एक सेशन है, वो फिर से मतलब सब लोगों से मिलेंगे।